नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री बीवी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूं और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम कर रही हूं। मैं यहां पे अहमदाबाद में नारायणपुरा में मेरा NDS हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे शाम को 4 बजे से 6 बजे तक सभी साधक हमसे मिलने आते हैं और उनका जो भी प्रॉब्लम है वो क्योर करके जाते हैं। वैसे ही 3-4 महीने पहले की बात है, ये इनका नाम है लीना बहन और लीना बहन ईसनपुर रहते हैं, अहमदाबाद के ईसनपुर में, और इनकी उम्र है 70 इयर्स। 70 इयर्स के उम्र में परिवर्तन लाना सबके लिए बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इन्होंने हमारी वीडियो देखी और न्यू डाइट सिस्टम एडॉप्ट कर लिया। इनको इतना फायदा हुआ है कि सिर्फ 3-4 महीने में उनका 20 kg वेट लॉस हुआ है, प्लस इनका BP की गोली चली गई है और इनका डायबिटीज भी चला गया है। तो इनसे बात करेंगे कि क्या क्या फायदा हुआ है। तो लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे NDS के हेल्थ सेंटर पे। आपकी 3-4 महीने की जर्नी कैसी रही वो दर्शकों को बताइए। मेरी 3-4 महीने की जर्नी बहुत अच्छी रही। 3-4 महीने पहले मैं आई थी, तब मेरा डायबिटीज बहुत था जी, BP हाई रहता था, शरीर में क्या होता था कुछ पता नहीं चलता था। उसकी वीडियो देख देख कर रात दिन देखना बहुत अच्छा लगता था। तो मैं एक दिन आ गई कि मेरे को ऐसी ऐसी तकलीफ है, तो देना मैडम ने बोला कि एनीमा करो जी, 3 बार एनीमा करो। तो मैं 3 महीने से 3 दफे एनीमा करती हूँ और जूस पीती हूँ, सब लोगों को बताती हूँ। सब लोग आते हैं, सबके लिए बोट लेके गई जी। और मेरे दिल में बहुत आनंद है अभी कि सब लोग चला गए। पहले आपका जो 20 किलो वजन ज्यादा था, 90 kg वजन था, अभी 70 kg हो गया है। तो आपके जो ड्रेस है वो भी अभी तो आपको फिटिंग करवानी पड़ेगी। पहले इतना बड़ा पेट था आपका, अभी पेट भी दिखाई नहीं दे रहा है। सब लोग बोलते हैं कि क्या तेरी उम्र तो 20-70 साल की तो लगती नहीं है, अभी तो जवान लगती है तू। सबका फोन आता मेरे पास, क्या करती है तू, कैसे ऐसी हो गई। तो मैं सबको फोन कर करके भेजती हूँ, सबको दिखाती हूँ कितने लोग को पकड़ पकड़ के जन्ना पटेल के पास ले आती हूँ, कोट लेके जाती हूँ। सबको बोलती हूँ कि मेरे जैसे होना है तो चलो मेरे साथ, आपको भी सब रोग मिटा दूँ, ऐसी गारंटी देती हूँ सब लोगों के साथ। यहाँ पे 3 महीने में तो कम से कम 10 बार आ चुके हैं और जितनी बार आते हैं तो जितने भी रिश्तेदार हैं इनको लगता है कि ये बीमार है या इनको न्यू डाइट सिस्टम की जरूरत है, वो सबको अपने खर्चे पे अपनी कार में बिठा के सबको पकड़ पकड़ के यहाँ पे 4 बजे लेके आते हैं, और जो नहीं आ सकते उनके लिए 10-15 एनिमा पॉट भी लेके जाते हैं। इतनी सेवा करते हैं, इतनी सारी दुआएं भी मिलती हैं। आप सुबह से लेके रात तक आपने क्या क्या किया सुबह से शेड्यूल? पहले तो पका पका के खाते थे, अभी ये सब परिवर्तन लाए हैं, वो भी सबको बताइए कि कितने बजे से कितने बजे तक सुबह में 5 बजे से एनिमा करती हूँ, तो 1-2 बजे तक कुछ नहीं खाती, पानी भी नहीं पीती, मतलब बहुत अच्छा लगता है। 8 घंटे का निर्जला फास्टिंग किया है। हाँ जी, फिर ग्रीन जूस पीती हूँ। हाँ जी, फिर फल खा लेती हूँ, सब फल फड़ादी खा लेती हूँ जी। और शाम को जो इच्छा होती है तो थोड़ा पकाया खा लेती हूँ, खिचड़ी साग जी, बाकी कुछ नहीं। मेरे शरीर में बहुत अच्छा लगता है जी, सारा दिन थक नहीं लगता है जी। कितना हल्कापन महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लगता है कि जिंदा रहूंगी तब तक मैं एनिमा करूंगी जी, ऐसा। हाँ, और आपकी घर में भी बेटी होगी, बहू होगी या आपकी डॉटर होगी, जो भी, तो वो सब लोग जो भी खाना पकाते हैं तो इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आती रहती है, तो भी आपको मन नहीं होता है। आप ईसनपुर से यहाँ पे आए तो आप अभी बोल रहे थे कि रास्ते में भी दाल वाला की खुशबू आती है या दाबेली के काउंटर आते हैं, तो पहले तो ऐसा होता था जब भी हमें पता नहीं था तभी गलत भोजन खाते थे, तो अभी आपको वो छोड़ने का मजा आ रहा है या छोड़ने का मन नहीं होता है? कुछ भी अच्छा
बोलती है रानी के खा ले तो फिर मना कर दी नहीं मेरे को नहीं खाने का जी। अभी मेरा शरीर अच्छा हो गया अच्छा ही रहना है सब रोग चला जाए इसलिए अच्छा कोई किसी को डॉक्टर के पास जाने का ही नहीं जी। तो हमारे लिए तो झरना मैडम भगवान भगवान तो हम खुद अपने बन सकते हैं क्योंकि हम तो यही बोलते हैं कि ईश्वर का बनाया हुआ खाना है परमात्मा का बनाया हुआ खाना है तो सबको फायदा ही फायदा होगा। इसमें मेरी तो ये कुछ नई शोध मैंने नहीं की है ये श्री रामचरित मानस से किया है ग्रंथ साहब में भी यही लिखा है मुसलमान के ग्रंथ में भी ये लिखा है ईसाई के सिख के सबके ग्रंथ में ये लिखा है कि प्राकृतिक भोजन खाना है। आप तो यहाँ पे हमारा सुजाता का जूसर भी लेके गए थे अभी कौन सा जूस पीते हो? सबसे पहले तो ग्रीन जूस बना के पीते हैं जी बाद में तरबूज का पीता है तरबूज का अनानास का जी फिर तेज गढ़ वाला जी हाँ पंपिंग भी लेके गए थे सबका जूस बहुत अच्छा लगता है जी। तो कितना अच्छा महसूस हो रहा है जब भी हम पका के खाते थे पूरा शरीर में दर्द रहता था या कुछ चैन नहीं पड़ता था या फिर शरीर में आलस रहती थी तो वो सभी में भी इतना दवाइयां ही नहीं सिर्फ पूरा जो हमारा बॉडी है शारीरिक आर्थिक मानसिक वो सारा भी ठीक हो जाता है वो भी आप कुछ बताइए दर्शकों को। बहुत अच्छा लग रहा है मैंने तो सोचा कि कभी खाना पका के खाओ भी नहीं सारे दिन जूस पर रहो बस ऐसा लगता है कि उससे नहीं तबियत अच्छी लगती है जब खाना खाती तो आलस आ जाती है कंटाल आ जाता है गैस हो जाता है पहले तो खाना खाते थे तो सारे दिन गैस 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 रहती थी कुछ करना ही मन नहीं होता था कुछ काम भी नहीं करती थी जी। अभी तो घर में सारा काम कर लेती हूँ जी खुशी में रहती हूँ जी। लीना जी आप कौन सा धर्म आपने अपनाया है? हमारा क्रिश्चियन धर्म जी। तो आप क्रिश्चियन लोगों को भी बताइए कि ये आप फॉलो करोगे तो इतना सारा फायदा होगा वो भी आप अपने जो मतलब कि हमारा सभी का एक ही धर्म है कि क्रिश्चियन हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो एक ही धर्म है शरीर जो है वो आपका भी भगवान ने बनाया है मेरा शरीर भी भगवान ने बनाया है फिर भी आप अपने समाज वाले को भी कुछ संदेशा दीजिए। बिल्कुल स्वाद के पीछे नहीं रहना चाहिए जी। अभी जो झरना मैडम ने बताया वो सिस्टम अपना हो तो सही में बहुत अच्छा रहता है जी। इसलिए मैं तो वही करूँगी सारे दिन कोई डॉक्टर के पास जाने का ही नहीं अने वो सिस्टम बहुत बढ़िया है तो सब लोगों की मेरी प्रार्थना है पैसे कितने बर्बाद हो जाते थे पहले पहले तो बहुत डायबिटीज का वो सारे 500-500 रुपया की पहली वो टेस्ट कराने के लिए बहुत पैसा डॉक्टर की फी डायबिटीज की दवा तो बहुत महंगी पड़ती थी जी। अभी तो कुछ कोई एक पैसे की दवा मेरे नहीं होती इसलिए मेरे को तो बहुत आनंद होता है कि नहीं जी आपने तो कभी सोचा भी नहीं था कि 20 किलो वेट लॉस हो जाएगा आपकी स्किन पे भी इतना फर्क आया है और जितने भी लोग मिलते हैं सबसे पहले आपको क्या पूछते हैं कि ये बॉडी कैसे ऐसा हो गया क्या जवाब देते हो आप सबको? मैं तो बोलती है एनिमा करो जी आपको आने का है मेरे साथ चलो मैं लेके जाऊँ जना मैडम के साथ जी मैं इतनी अच्छी हो गई तो तुम भी मेरा जैसा हो जाओ सबके लेके आ जाती हूँ जना मैडम के पास जी। तो बहुत ही अच्छी बात है वैसे तो डॉक्टर जो होते हैं कोई भी मेडिकल हो या होम्योपैथिक दवा हो या फिर कोई भी तरह की पथी हम यूज करते हैं तो इसमें हमारे शरीर में से कभी भी डायबिटीज जाता नहीं है। डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि 10 साल तक या 20 साल तक या 50 साल तक डायबिटीज की दवाइयां खाती रहो और आपकी तो डायबिटीज ठीक हो गया है तो कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है आपको? बहुत अच्छा लगता है पहले तो सारा दिन भूख लग लग कर क्या खा जाओ क्या खा जाओ अभी तो खाने का मन भी नहीं होता। और डायबिटीज के डॉक्टर तो ऐसा बोलते हैं कि आपके पास खाना रखो बार बार खाते रहो बार बार खाते रहो तो 8 घंटे का निर्जला कैसे कर लेते हो? 8 घंटे तक कुछ पानी भी नहीं याद आता है कुछ भी बहुत अच्छा लगता है जी। ऐसे 16 घंटा तक हम कुछ नहीं खाते पीते जी 16 घंटे के बाद ग्रीन जूस पी लेते हैं जी। डायबिटीज की दवाइयां बंद हो गई तो कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगता है डायबिटीज की और बीपी की जी कोई गोलियां नहीं पीती जी।
बीपी भी क्योर हो गया है, वेट भी लॉस हो गया है, शरीर भी इतना हल्का हल्का लग रहा है इनका। इनके इनकी बातों में हमेशा इतनी खुशी होती है, इतनी उनके जो बात करने में इतना जुस्सा होता है, पकड़ पकड़ के सबको यहाँ पे लेके आते हैं और हमेशा फोन पे भी पूछते रहते हैं, बताते रहते हैं सबको। तो बहुत अच्छा आपने सभी दर्शकों को भी ये बताया कि ये न्यू डाइट सिस्टम करते रहो, एनिमा करो, रॉ फूड खाओ, प्राकृतिक भोजन खाओ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि रीना जी आप यहाँ पे आए हो, आपने फॉलो किया है। हम तो पूरे विश्व में सबको फ्री में बताते हैं कि आप फॉलो कीजिए, जितने लोग फॉलो करते हैं उतने लोगों को फायदा होता है। तो आपको भी अगर ये फॉलो करना हो, ये न्यू डाइट सिस्टम क्या है वो जानना हो, तो हमारी यूट्यूब पे हमारी वीडियो है, जिस वीडियो का नाम है मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। ये तीन वीडियो आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि न्यू डाइट सिस्टम कैसे करना है। कोई भी बीमारी हो तो चली जाएगी। आपको और कुछ भी पूछना हो तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमें फोन कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। थैंक यू, आभार, प्रणाम। लीना जी आपका भी खूब खूब प्रणाम जी। नमस्कार, नमस्कार।